मैंने कलर्स ब्रेक किए, जो मैंने ब्रीफ मतलब उनको बताया था कि मैं क्या करूँगा अंदर का डिज़ाइन। अच्छा। घर तो देखे ही हमने, तो मैं बोला कलर्स में डिवाइड करते हैं। तो नाउ व्हेन यू पुट अ कैमरा एंड नाउ सी दिस इज द पिंक जोन, पूरा पिंक एंड ऑरेंज जोन। आप किचन में देखोगे तो येलो दिखता है आपको, पूरा येलो जोन। ये इसी बार हुआ है ना? हाँ, इसी बार हुआ है। बाथरूम में जाओगे तो ग्रीन, तो उसमें जंगल आ गया, जंगल थी। बेडरूम में दैट थीम सर, वो बहुत ही यूनिक लग रहा है, और कुछ ऐसे हम नेचर में हैं, मतलब रोज सुबह उठ के कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि हम यहाँ है ही नहीं, ऐसा लगता है। नमस्कार, मी प्रेरणा, तुम्ही बघताय लेट्स अप मराठी। बिग बॉस मराठी सीझन 4 सुंदर घर मी बघितलंय, मला प्रचंड आवडलंय। यंदाच्या 4th सीझनमध्ये या घरात अनेक सरप्राईजेस बघायला मिळालेले, आणि हे घर दरवर्षी सुंदर सजवतात आणि ते इनोव्हेट करतात, ते म्हणजे उमंग कुमार सर माझ्यासोबत आहेत। सर कैसे हैं आप? और सबसे पहले बहुत बढ़िया है इस साल का, इस सीज़न का ये जो घर है, बहुत सारे सरप्राइजेस भी देख रहे हैं हम। थैंक यू सो मच। यस, हमेशा ये घर इस तरह बनता है कि दिल को छू जाता है। लास्ट ईयर भी ऐसी था, इस साल भी ऐसा ही है। कुछ अलग ही मज़ा है, यू नो, बिकॉज ये है कि डाउन टू अर्थ डिज़ाइन करना पड़ता है और वो अच्छा लगता है, यू नो, जब कॉन्सेप्ट क्रिएटिव ने दिया कि यहाँ चॉल बनाओ और वहाँ इंस्पिरेशन, यू नो, जस्ट दैट। बिकॉज चॉल भी हम बनाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे स्टाइल में बनाएंगे, कैसे करेंगे। तो वनीता माई वाइफ जो है वो पूरा, यू नो, ऐसी प्रोडक्शन डिज़ाइन करते हैं कि हर वॉल, यू नो, छा जाता है। जैसे कि अगर हम चॉल में भी हैं तो चॉल में क्या क्या छोटी छोटी बातें होती है, यू नो, चाय पीते रहते हैं तो चाय का एक पूरा वॉल, तो ये हमारा स्टाइल डेडिकेशन का। अगर इस्त्री है तो इतनी बड़ी सी इस्त्री लगा दी तो वो एक वॉल हो गया, यू नो, कैरम खेलते हैं तो वो भी वॉल लगा दिया, एंड पगड़ीज है, लट्टू है, पतंग है, यू नो, ऑब्वियसली मिर्ची तो है ही हमारा, और ये एक नया रिक्शा, तो रिक्शा लेकिन हमारा स्टाइल का, अगर पेंट किया तो कैसे लगता है। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट हम ऐड करते हैं वाइल डिज़ाइनिंग, यू नो, ये। और जब ये लाइट सब बंद हो जाती है ना, तब देखना रात को पूरे सब घर में एक छोटे छोटे लाइट लगते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हम आ गए एक वेरी ब्यूटीफुल कलरफुल चॉल में। इसको छोड़ के जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर इज़ लाइक हाई राइजर में, अगर पेंट हाउस हो या किसी का क्या होगा तो कैसा होगा, लेकिन वो भी हमने अपना, यू नो, जो मराठीपन ना वो छोड़ा नहीं है, यू नो, हाँ वो होना चाहिए, मेरे को देन कनेक्ट आ जाता है, यू नो, मोदक है, करंजी है, देन फिर बाद में एक नथ है वॉल पर। लेकिन अंदर का अगर आपने नोटिस किया है, पता नहीं, मैंने कलर्स ब्रेक किए, जो मैंने ब्रीफ मतलब उनको बताया था कि मैं क्या करूँगा अंदर का डिज़ाइन। अच्छा। घर तो देखे ही हमने, तो मैं बोला कलर्स में डिवाइड करते हैं। तो नाउ व्हेन यू पुट अ कैमरा एंड नाउ सी दिस इज द पिंक जोन, पूरा पिंक एंड ऑरेंज जोन। आप किचन में देखोगे तो येलो दिखता है आपको, पूरा येलो जोन। ये इसी बार हुआ है ना? हाँ, इसी बार हुआ है। बाथरूम में जाओगे तो ग्रीन, तो उसमें जंगल आ गया, जंगल थी। बेडरूम में दैट थीम सर, वो बहुत ही यूनिक लग रहा है, और कुछ ऐसे हम नेचर में हैं, मतलब रोज सुबह उठ के कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि हम यहाँ है ही नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन अगर बेडरूम में जाओगे तो रेड एक जोन है, एक ग्रीन है, एक पर्पल है, तो कलर डिवाइड करके इतना ईजी पड़ गया कि नाउ जो भी है उसके बियॉन्ड नहीं जाना, यही कलर। सर पीला पर पीला दिखता नहीं है, सर नो प्रॉब्लम, पीले पर पीला ही होना चाहिए, पिंक पर पिंक ही होना चाहिए, प्लीज बिलीव मी, इट लुक नाइस। सो नाउ व्हेन यू पुट अ कैमरा ना, अच्छा लगता है हर फ्रेम, इट इज लुकिंग नाइस। और सबसे बड़ा एड ऑन जो है, हम जब एंट्री करते हैं बिग बॉस के घर के अंदर ही, वो बालकनी जो है इस साल का वही अट्रैक्शन है, उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं, यहाँ पे पतंग देख रहे हैं हम लोग। तो ये क्या था ना कि बिकॉज हम यहाँ ऊपर छपरे पर तो चढ़ नहीं सकते हैं, ओके, तो हमने बोला कि ऑब्वियसली एक मेजनाइन करते हैं, ताकि बिकॉज चॉल में क्या होता है ना, लेवल्स होते हैं, यू नो, ग्राउंड लेवल से दिखता नहीं है वो, मेरे को सिर्फ ऐसा नहीं देखना था, तो हमने बोला एक लेवल करते हैं, एक नया, यू नो, एवेन्यू मिलता है फॉर टॉकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। पब्लिक ऊपर से जाके नीचे से गॉसिप करेगी, कौन है वो, कोना कौन पकड़ेगा, यू नो, हमेशा हमको पता है हाँ यहाँ तो हमेशा बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं, लेकिन ये एक नया एवेन्यू है, एंड इस मेरे को लगता है इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। सब लोग क्या होने वाला है वो बाद में आपको पता चलेगा, कंटेस्टेंट घर पे आएंगे उनको बहुत मज़े आने वाले हैं, बिकॉज ये इस साल का घर जो है बहुत ह्यूज लग रहा है, मुझे लगता है उस बालकनी की वजह से बहुत स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस सेम है, लेकिन यू आर राइट, बिकॉज बालकनी एक और एवेन्यू जो बोलते हैं ना, एक इतना घर को जो बड़ा करना होता है, मतलब ऊपर चले जाते हैं ना, हम फर्स्ट फ्लोर लगा देते, तो फर्स्ट फ्लोर लगा के इट्स अ नाइस फीलिंग टू गो अप देयर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत अच्छे से सजाया हुआ है इस साल का घर आपने, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। थैंक यू, थैंक यू, एंड एंजॉय प्लीज।